हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक्स। कंटिन्यूस ऑडिटिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे, उसका बेसिक फंडामेंटल्स हम समझ चुके थे। कंटिन्यूस ऑडिटिंग में क्या था कि कंटिन्यूसली ऑडिट करना था, यानी कि अब ऑडिटर को सिस्टम के अंदर कूद मार के चले जाना था, यानी लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुस जाना था। अब ऑडिटर जो था आदमी की जगह मेटेरियलाइज की जगह डीमेटेरियलाइज हो गया था, यानी एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि आप अब जहाँ पर बैठे हो वहाँ से आप निकलोगे और कंप्यूटर के अंदर छलांग मार लोगे और लॉजिकली छलांग मारोगे। आपकी जगह आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठा होगा, सॉफ्टवेयर वहाँ पर बैठा होगा और वो कंटिन्यूसली ऑडिट करेगा और वो थकता नहीं है, वो ट्रांजेक्शन को 24/7 ऑडिट कर सकता है, 365 डेज ऑडिट कर सकता है और एक डिटेक्टिव कंट्रोल की तरह काम कर सकता है और इवन करेक्टिव कंट्रोल्स के लिए की तरह भी काम कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम हो रही है, उसको करेक्शन के लिए स्टार्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ऑडिटिंग भी डीमेटरलाइज होने लगी। पहले ह्यूमन बीइंग मैनुअल आदमी उसे करता था, अब ऑडिटिंग भी डीमेटरलाइजेशन की तरफ बढ़ी और जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे ये चीज़ बहुत और ज़्यादा देखते जाएंगे। जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्यूम्स ज़्यादा होते जाएंगे, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में IT का यूज़ ज़्यादा होता जाएगा, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन का यूज़ ज़्यादा होता जाएगा, वहाँ वहाँ एफिशिएंसी रिलायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और ऑडिटिंग एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर एजेंट बैठा होगा, मतलब जो कंटिन्यूसली ऑडिट कर रहा होगा। तो कई टेक्निक्स हैं कंटिन्यूस ऑडिटिंग की। सबसे पहली है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट टेक्निक में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा और आपने किताब में नहीं लिखा और आप कमरे में आए और आप भूल गए, आपने सोचा यार उसने क्या कहा था, या आपसे किसी ने कुछ काम करने के लिए कहा और आप भूल गए कि क्या बोला था उसने, एग्जैक्टली प्रिसाइजली क्या बोला था आपको ध्यान ही नहीं। इसी तरह से आप अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए दूसरी सिचुएशन देखें कि आप ATM में पैसा निकालने गए और ATM में क्या होता है कि जैसे पैसे जाते हैं तो वहाँ एक कंसोल होता है, मतलब जिस पर आप टाइप करते हैं उसे टेक्निकली कंसोल कह सकते हैं। आप टाइप करते हो पिन पासवर्ड, इतना पैसा निकालना है, आपने कहा जी 5000 पैसा निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आगे भागेंगे, ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जंप करेंगे, इसमें सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यहाँ पर ATM में अपना एक सॉफ्टवेयर लगा होता है और बीच में न जाने कितने सॉफ्टवेयर्स से होते हुए ATM जो है अपने डेटाबेस सर्वर तक पहुँचता है। अब जब तक डेटाबेस सर्वर तक पहुंचा, वैसे ये नैनो सेकंड में काम होता है, यानी सेकंडों में, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपने बटन दबाया तो 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में जा सकते हैं उसमें। वो एक अगर ऑप्टिकल फाइबर में जा रहे हैं तो 300,000 स्पीड होगी, अगर ऑप्टिक फाइबर में नहीं जा रहे हैं, कोई दूसरी केबल्स हैं, तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, तो 290,000 हो गई या उससे थोड़ा सा कम हो गई या 2.5 लाख हो गई, लेकिन फिर भी 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार बहुत बड़ी रफ्तार है। एक सेकंड में 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर चले जाना, क्योंकि लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर है। लाइट से कोई, आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार लाइट से कोई तेज चीज़ भाग नहीं सकती, केवल स्पेस भाग सकती है। ब्लैक होल्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर स्पेस लाइट से तेज़ी से भागती है और वहाँ पर बिजार फिनोमिना होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लाइट की स्पीड जब किसी पर्टिकुलर मीडियम में होती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा स्लो हो जाती है, तो यहाँ पर मीडियम है, अगर फाइबर ऑप्टिक केबल है तो वो 300,000 ही रहती है तकरीबन। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में अगर लाइट जा रही है तो 300,000 किलोमीटर जा रही है एक सेकंड में, तो आपका सर्वर 300,000 किलोमीटर दूर तो होगा नहीं। आपका 300,000 किलोमीटर में, तो मतलब यहाँ से चंद्रमा की कितनी दूरी है, 1.5-2 सेकंड पता नहीं कितने सेकंड में लाइट चंद्रमा तक पहुँच जाती है। तो सूरज कुछ करोड़ों किलोमीटर होता है, तो 7 मिनट या कुछ मिनट में तो सूरज की लाइट यहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि वो स्पेस में ट्रेवल कर रही होती है, कोई मीडियम नहीं होता बीच में। लेकिन यहाँ पर मीडियम में थोड़ी सी स्पीड स्लो भी हो गई तो भी मैसिव स्पीड से कम्युनिकेशन होता है। अब माइक्रोसेकंड में कम्युनिकेशन हुआ, आपने ATM में अपना फिंगरप्रिंट नहीं, ATM में आपने क्लिक किया और उसमें अपना पासवर्ड डाला और उसे कहा 5000 रुपये निकालना। अब ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जंप करता चला गया ये इंस्ट्रक्शन। जब यह सेंट्रल सर्वर में पहुँचा, यानी ATM के बैंक के सेंट्रलाइज डेटाबेस में ये इंस्ट्रक्शन पहुँचा, तो क्या हुआ, सबसे पहले आप ATM में गए, आपने वहाँ पर जो कंसोल है उसमें टाइप किया, पासवर्ड वगैरह टाइप किया और उसे बोला 5000 रुपया निकालना है, विड्रॉल टाइप किया और फिर 5000 टाइप किया। अब ये इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जंप होते हुए सेंट्रलाइज डेटाबेस में पहुँचे। जब तक ये सेंट्रलाइज डेटाबेस में पहुँचे ये भूल गए कि पैसा कितना निकालना था। जब प्रोसेसिंग होने लगी, आपका अकाउंट खुलने लगा, तो इनको याद ही नहीं रहा
कुछ चीज़ हो गया बीच में, कई बार क्या होता है लाइट चलेगी, वैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, ये कुछ हो जाएगा तो वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। हमने रूल फॉरवर्ड रूल बैकवर्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए किसी रीज़न की वजह से वो भूल गया, वो उसको याद नहीं रहा, यानी कि इंटेग्रिटी, जो मैसेज की इंटेग्रिटी वायलेट हो गई, 5,000 रुपये की जगह वो मैसेज चला। मैसेज क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही तो है, एक सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, मतलब जो आपने 5,000 इलेक्ट्रिक सिग्नल है, 5,000 जो टाइप किया वो सॉफ्टवेयर ने उसे इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स में कन्वर्ट किया है। तो डिजिटल कन्वर्ट करेगा या एनालॉग कन्वर्ट करेगा? डिजिटल करेगा तो इलेक्ट्रिक पल्सेज जाएंगे 0101 के, अगर एनालॉग करेगा तो वहाँ क्या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आएगी, वो भी 0101 होगा हाई। हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए ये सोचा जाए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये ट्रैवल करते हुए कुछ माइक्रोसेकंड में सेंट्रलाइज डेटा भी सर्वर में पहुंचे, लेकिन वो भूल गए, वहाँ डेटा इंटीग्रिटी वायलेट हो गई या कोई रीज़न की वजह से वो उनको पता, उन्होंने देखा भाई ये जो पाँच कितने रुपये विड्रॉल करने, ये चंद्रशेखर बरोला के अकाउंट से कितने विड्रॉल करने, यही उनको पता नहीं। अब आप तो एक बार बटन दबा चुके हो, आपसे दूसरी बार बटन दबाने के लिए कहेगा तो वो सर्विस लेवल नहीं रहेगा उसका। और कई बार तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आदमी एक बार देता है और चले जाता है। तो ऐसे केस में स्नैपशॉट्स का यूज़ किया जाता है। स्नैपशॉट्स क्या करते हैं कि जैसे ही कंसोल, आप कंसोल में बटन दबाओगे तो वो उसका स्नैपशॉट रिकॉर्ड कर लेगा, यानी कि हर स्टेप पर स्नैपशॉट रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। हर स्टेप पर क्या हो रहा है उसके स्नैपशॉट एक हिस्ट्री बन जाएगी, आर्काइव्स कर दिए जाएंगे, जैसे लॉग्स बनते हैं वैसे ही ये बन जाएंगे ट्रेसर्स। बेसिकली जैसे लॉगिंग और ट्रेसिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये इनको ट्रेसर्स कहना ज़्यादा बेटर है। लॉग्स तो टाइम वाइम ये वो इवेंट की लॉगिंग करते हैं, कितने बजे क्या हुआ क्या हुआ। नो डाउट यहाँ पर भी लॉग्स क्रिएट होंगे, जब आप अपना पासवर्ड वगैरह डालोगे तो यहाँ भी लॉग्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेसर्स का यूज़ ज़्यादा होता है। ट्रेसर्स भी एक, मैंने कहा कि कई बार बंडल्ड आते हैं, लॉगिंग और ट्रेसिंग एक ही सॉफ्टवेयर कर लेता है, तो कई बार उसको डिफरेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये स्नैपशॉट्स क्या करते हैं, हर स्टेप का स्नैपशॉट ले लेते हैं, हर स्टेप आपने क्या किया है उसकी हिस्ट्री बता होती है, यानी कि कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मूव कर रहा है और कहाँ पर उसकी गड़बड़ी हुई हम उसको पता लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्नैपशॉट वो टेक्निक है जैसे कि कंप्यूटर आगे जाकर ये नहीं कह सकता मैं भूल गया, अगर भूल गया तो ठीक है स्नैपशॉट पड़ा उसमें देखो, जो कंसोल से जो डेटा आदमी ने इनपुट किया उसको देख लो, स्नैपशॉट आपको बता देगा कि क्या इनपुट किया। तो बेसिकली इसको समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर्स में, तो उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि वो इनपुट लेते हैं और फिर करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करते हैं। लेकिन जब वो इनपुट कर रहे होते हैं या आउटपुट कर रहे होते हैं तो कई डेटा कई जगह मूव होता है, कई प्रोसेस होते हैं, कई काम होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसके स्नैपशॉट ले लिए जाते हैं। स्नैपशॉट क्या है? डिजिटल पिक्चर्स हैं। स्नैपशॉट क्या है? डिजिटल पिक्चर्स हैं। काई डिजिटल पिक्चर्स हैं? कंसोल के प्रोसीजर्स की डिजिटल पिक्चर्स हैं, प्रोसीजर ऑफ कंसोल की डिजिटल पिक्चर हैं, जो कि मेमोरी में सेव कर दी जाती है और स्टोर कर दी जाती है, उनको आर्काइव कर दिया जाता है। तो आपने जैसे ही कंसोल में, आप अपने वहाँ पर गए एटीएम में गए तो वहाँ पर बैठे, कंसोल वैसे जनरली एडमिनिस्ट्रेटर जो के लॉगिन को ज़्यादा कहा जाता है, मतलब किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन होगा, उसके पास सारे, जिसके पास भी एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन हो जाएगा उस कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क का, तो दूसरा आदमी उस लॉगिन से कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर मैसिव राइट्स होते हैं। तो बेसिकली कंसोल उस प्रस्पेक्टिव में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अगर हम उसे एक साधारण वे में देखें तो कंसोल क्या होता है, जिससे एंट्री की जाती है। तो उसी से टर्म बना है प्रोसीजर ऑफ कंसोल्स, एग्जामिनेशन में आ सकता है प्रोसीजर ऑफ कंसोल्स के बारे में। प्रोसीजर कंसोल्स क्या हैं? एप्लीकेशन प्रोसीजर्स हैं जो कि इनपुट, जिससे हम इनपुट डालते हैं। अब ये कीबोर्ड से डाल सकते हैं, माउस से डाल सकते हैं, आज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो माउस से इनपुट डालेंगे, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से इनपुट डालेंगे, और ये प्रोसीजर्स रेफरेंस की तरह काम करते हैं।
जब हम आउटपुट जनरेट करें फ्यूचर में, जब आउटपुट जनरेट होगा, फ्यूचर वैसे बहुत दूर नहीं है, कुछ माइक्रो सेकंड बाद ही है, एक सेकंड बाद नहीं, कुछ माइक्रो सेकंड, एक सेकंड के कुछ भाग में ही आउटपुट हम जनरेट होगा, लेकिन वो फ्यूचर है। कंप्यूटर के टर्म्स में देखा जाए तो फ्यूचर है, वहाँ पर तो करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और बड़ी स्पीडली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और हर ट्रांजेक्शन स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, या उससे तो आप 2 लाख 90 बोलो, अगर किसी मीडियम में भाग रहा है तो 2 लाख 90 हज़ार किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, पर इट्स एन ऑसम स्पीड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं। तो उसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो स्नैपशॉट्स हैं वो ट्रेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करते हैं और मैपिंग में हमारी हेल्प करते हैं। हमने ट्रेसर्स और उसके बारे में वो लॉग्स के बीच में हमने डिफरेंस समझ लिया था कि लॉगिंग क्या होती है, इवेंट लॉगिंग क्या होती है और ट्रेसिंग क्या होती है। इवेंट लॉगिंग और ट्रेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिफरेंस है। तो कई बार हम जब प्रोसीजर्स ऑफ कंसोल कर रहे हैं यानी बटन दबा रहे होंगे एटीएम का, तो उस टाइम पर दोनों चीज़ें हो रही होंगी, लॉग भी हो रहा होगा और ट्रेसिंग भी हो रही होगी, तो क्या एक ही सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ कर रहा होगा? और स्नैपशॉटिंग भी वो सॉफ्टवेयर कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर स्नैपशॉट्स भी ले सकता है। तो यूज़र क्या है, इनपुट प्रोवाइड करेगा कंसोल में डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और स्नैपशॉट हर स्टेप डेटा प्रोसेसिंग में स्नैपशॉट ले लेंगे। जैसे ही इनपुट दिया तो वो हर स्टेप में, डेटा प्रोसेसिंग के हर स्टेप में, क्योंकि एक अगर हमारे सपोज आपका एटीएम लगा है, उसके बाद जो जब आप केवल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बता सकता है कितने स्टेप होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स अगर जो पूरे सिस्टम को प्रोग्राम कर रहा है, आप एटीएम में हो, एटीएम में सॉफ्टवेयर्स लगे होंगे, उसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं लगा होगा, कई सॉफ्टवेयर्स लगे होंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लगे होंगे, बैंक का सॉफ्टवेयर लगा होगा, एंटीवायरस लगा होगा, उसके बाद एक वो सॉफ्टवेयर लगा होगा जो आपके की को कैप्चर कर रहा है, जैसे ही आप ए दबाओगे तो उसे वो एपसीडी की आस्काई में चेंज करेगा। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि किस तरीके से वो ASCII और EBCDIC में चेंज करता है, तो ASCII और EBCDIC में एक पर्टिकुलर करेक्टर को चेंज कर रहा है, यानी कि ये डेटा डालते ही वो 7 या 8 डिजिट बाइनरी में एक नंबर जनरेट कर देगा, और फिर वो डेटा आगे बढ़ने लगेगा, सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो सॉफ्टवेयर जो है जो लोकल नोडल पॉइंट में जा सकता है, या डायरेक्टली वो जो एटीएम है, एटीएम उसको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में भेजेगा, लेकिन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में भेजने से पहले तो वो एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन में जाएगा, उसके बाद एयरटेल के या वोडाफोन के सेंटर में जाएगा, वहाँ पर कई सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो उसे फिर आगे भेजेंगे, फिर दूसरा जगह पर जाएगा, फिर होते होते फिर वो फाइनली विद इन कुछ माइक्रो सेकेंड्स वहाँ पर पहुँच जाएगा, आपके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में पहुँच जाएगा, सेंट्रलाइज बैंक के सेंट्रलाइज डेटाबेस में पहुंचेगा, तो वहां पर भी इससे पहले कि वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में पहुंचे, वो उस फैसिलिटी में पहुंचेगा, उस फैसिलिटी में फायरवॉल्स वगैरह लगी होंगी, उससे जाएगा, एंटीवायरस वगैरह लगे होंगे, उससे चेक होगा उसकी, उसके बाद वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इनक्रिप्टेड इंक्रिप्शन का डिक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर में जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होंगे, एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, 85 सॉफ्टवेयर्स होंगे बीच में, और एक प्रोसेसर नहीं होगी, कई प्रोसेसेस होंगे, और हर प्रोसेस का स्नैपशॉट रखा जाएगा, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिकॉल किया जा सके कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हुई। तो अब ये आपकी कंटिन्यूस ऑडिटिंग इसी तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है कि ये मालूम पड़ा, हमने बोला स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं या ऑडिट टूल होते हैं जो स्नैपशॉट्स ले लेते हैं, जिसमें स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो ट्रैक करते रहते हैं, कंटिन्यूस ऑडिटिंग होती रहेगी, वो ट्रैक करते रहेंगे, वो स्नैपशॉट लेते रहेंगे, एक सेपरेट फाइल बना देंगे स्नैपशॉट की, तो वो सारी डिजिटल इमेज होती रहेगी, इनपुट आउटपुट को कंपेयर करते रहेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूस इंटरनल ऑडिटिंग रहेगी, एक पर्टिकुलर फाइल बन जाएगी, एक सेपरेट फाइल बन जाएगी, तो उसमें डिजिटल इमेजेस या स्नैपशॉट्स स्टोर कर दिए जाएंगे और रियल टाइम में इनपुट आउटपुट को देखा जाएगा, जो इनपुट है आउटपुट है, जो स्नैपशॉट्स हैं, जो इनपुट आया उसका स्नैपशॉट क्या था, आउटपुट आया उसका क्या स्नैपशॉट था, और बीच में प्रोसेसेस का क्या स्नैपशॉट था, सब मैच कर रही हैं कि नहीं मैच कर रही हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑडिट टूल जिसमें स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर है वो कंटिन्यूस ऑडिट कर रहा है।
तो इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें एक और चीज़ होती है कि जो स्नैपशॉट है वो मैन्युअली भी ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे अभी हमने की, और वो किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर टाइम में भी ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कोई पर्टिकुलर सिस्टम चल रहा है, तो आपने कहा कि जैसे एटीएम है, एटीएम तो कॉन्स्टेंट स्नैपशॉट्स चाहिए होंगे ताकि इनपुट आउटपुट देखा जाए, लेकिन आपने कंटिन्यूस ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर लगा रखा है, तो वो आपका कंटिन्यूस ऑडिटिंग टूल है, उसमें स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर भी है। तो आपने आप क्या हो रहा है, जब कई बार क्या होता है कि आपने उसे ऐसे प्रोग्राम किया है कि जब ट्रांजेक्शन हैवी हो, बहुत ज़्यादा हैवी हो, तब ये प्रोग्राम काम करना स्टार्ट करे। एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा डेटा आने लगे, एक ट्रैफिक आने लगे, तो ये काम करने लगे, स्नैपशॉट लेना स्टार्ट करें और फिर ऑडिट करना स्टार्ट करें, या एक पर्टिकुलर जैसे मैं लीन पीरियड है उस टाइम पर वो सैम्पलिंग करे और फिर वो स्नैपशॉट्स को देखे, उसको उसको एनालाइज करे। तो स्नैपशॉट्स किसी चीज भी चीज़ से ट्रिगर हो सकते हैं, अगर मान लिया सपोज मैनुअली ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे एटीएम की मशीन में टाइम बेस्ड हो सकता है, या एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ स्नैपशॉट ट्रिगर हो गए, मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ, जो ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन है उसमें स्नैपशॉट ट्रिगर होगा, या पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, उसमें ट्रिगर होगा। तो इस तरीके से स्नैपशॉट का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। और ये जो डिजिटल इमेजेस हैं वो आपकी फाइल में रखी जाएंगी, उसके अलावा एक पर्टिकुलर सर्वर में भी रखी जा सकती है। एक पर्टिकुलर सर्वर हो सकता है, जैसे बैंक का एक पर्टिकुलर सर्वर है, उसमें अलग से जा रही हैं ये फाइल्स। उसके अलावा जो ऑडिट टूल है उसका एक अलग डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए प्रोसेसिंग होगी, स्नैपशॉट हो गया, आपने स्नैपशॉट अपने सामने रख दिया। तो स्नैपशॉट जब आप अपने सामने रखोगे, स्नैपशॉट क्या है, हर प्रोसेसिंग की हर स्टेप का स्नैपशॉट है वो, तो आपको प्रोसेसिंग लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रोसेसिंग लॉजिक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि हमने पहले ही कई बार कह चुके हैं कि प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोसेसिंग के लिए आपको सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुसना पड़ता है। तो अगर आपके पास स्नैपशॉट्स हैं प्रोसेसिंग के, तो आपको लॉजिकली आप ऑलरेडी घुस चुके हैं, आप उसके पास डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स होंगे आपके पास, आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो, यानी कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट और रिलायबिलिटी आपकी काफ़ी हाई होगी क्योंकि प्रोसेसिंग के पिक्चर्स हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या होता है, एक मोहल्ले में सीसीटीवी लगा होता है, अगर कोई भी चोरी चूक कर रहा है, ये कोई चेन स्नैचिंग कर रहा है, ये कर रहा है, उसमें आ जाता है, तो वो आदमी जज के सामने जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ इसी ने स्नैचिंग की है या इसी ने चोरी की है। तो स्नैपशॉट रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस बढ़ा देता है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस बढ़ा देता है, वो अकाट्य सबूत पेश की पेश के, वैसे 100% अनडिनाई अकाट्य सबूत नहीं कह सकते हम उसे, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक उस रिलायबिलिटी आ जाती है, 95% 98% रिलायबिलिटी, क्योंकि स्नैपशॉट आ रहा है। और जब आपका ऑडिट टूल जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली घुस के वो स्नैपशॉट्स लेता है, तब तो रिलायबिलिटी और भी बढ़ जाती है क्योंकि आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ले रहा है। और कंटिन्यूस ऑडिटिंग टूल्स तो ये यही करते हैं कि वो स्नैपशॉट्स करते हैं और फिर आपको स्नैपशॉट्स दे देते हैं, अपने बस एक आर्काइव्स रखते हैं और आप स्नैपशॉट्स अपने सामने रख सकते हो, मतलब अपने सामने तो नहीं रख सकते हो, लॉजिकली अपने सामने रख सकते हो, यानी कि कंप्यूटर्स में उस स्नैपशॉट्स को एनालाइज कर सकते हो और उस लॉजिक को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स देख सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम में बाउंड्री कंट्रोल्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेसिंग किया है, प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सारे लॉजिक आपको क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर आपको प्रोसेसिंग दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या ऑपरेशन हुआ, फिर क्या हुआ और फाइनल क्या हुआ, किस लिए क्या चीज़ हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रांसपेरेंटली अगर स्नैपशॉट आपके सामने रख रहा है और प्रोसेसिंग लॉजिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसकर प्रोसेसिंग को देख रहे हो, यानी ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर कर रहे हो, ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर नहीं कर रहे हो, ऑडिटिंग थ्रू कर रहे हो। इनपुट आउटपुट तो मैनुअली आप देख ही रहे हो, लेकिन इनपुट आउटपुट को क्रिएट कर रहा है और इस प्रोसेस में क्या प्रोसेसिंग लॉजिक हो रहे हैं ये स्नैपशॉट्स आपको बता रहे हैं।
तो स्नैपशॉट्स आपको डेटा फ्लो भी बताते हैं, कहाँ से डेटा फ्लो क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। और स्नैपशॉट्स जो होता है, कई बार एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर काम करते करते उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है, डेटाबेस सिस्टम में आ जाता है, तो स्नैपशॉट्स आपको ये बता देते हैं क्या रीज़न है डिस्ट्रप्शन का, क्या रीज़न है। बेसिकली स्नैपशॉट्स क्या है, आपको लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसना है और फिर देखना है कि क्या हुआ। तो स्नैपशॉट्स को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको पता चल जाएगा डेटा कैसे जा रहा है, आपको पता चल जाएगा प्रोसेसिंग क्या हो रही है, आपको पता चल जाएगा प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या है, आपको पता चल जाएगा सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग क्या है। इतनी सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी, आपकी एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। यही तो पता करना है, पहले डेटा अंदर गया तो कहाँ किस तरीके से गया, क्या प्रोसेसिंग स्टेप्स हो रहे थे। दूसरी बात यह है क्या सीक्वेंस है, पहले ये हुआ फिर दूसरा ये हुआ फिर तीसरा हुआ फिर ये हुआ, बेसिकली यही तो देखना है क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग हुई, तो क्या क्या प्रोसेसिंग हुई, कौन से स्टेज में और क्या क्या प्रोसेसिंग हुई। जब आप ये देख लेते हो कि डेटा गया और ये स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग के, ये प्रोसेसिंग हुई और ये एल्गोरिथम यूज़ किया गया प्रोसेसिंग के लिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अचानक क्या होता है कि प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट हो जाती है, प्रोसेसिंग आपको दिखने लग जाती है, प्रोसेसिंग के लिए आप लॉजिकली सिस्टम में घुस सकते हो। इसके बाद है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी क्या होती है, एक टेस्ट फैसिलिटी जो इंटीग्रेटेड है, किसके साथ इंटीग्रेटेड है, लाइव इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। ये आप ध्यान रख लेना कि इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी एक टेस्ट फैसिलिटी है जो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड किसके साथ है, लाइव इन्वायरमेंट के साथ है। तो टेस्ट फैसिलिटी क्या होती है, जैसे पोखरण में आपने एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट किया, तो एक टेस्ट प्लेस थी जहाँ पर किया, जहाँ पर बम का विस्फोट किया, एक टेस्ट किया आपने वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब का, तो वो टेस्ट फैसिलिटी, वहाँ पर एक टेस्ट फैसिलिटी आपने क्रिएट की, या आप एक लेबोरेटरी होती है उसमें टेस्ट फैसिलिटी करते हो, लेकिन लाइव इन्वायरमेंट नहीं होता है वो, लाइव इन्वायरमेंट अलग होता है। लेकिन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी टेस्ट फैसिलिटी के साथ इंटीग्रेट करती है, यानी कि आप टेस्ट कर रहे हो तो कई बार आप ये कहोगे जी बम तैयार नहीं हुआ, ठीक है जो भी तैयार हुआ हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपने बम भेज दिया, आपने कहा जी लाइव करेंगे टेस्ट करेंगे, तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है। यही चीज़ को ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि काम चल रहा है और आपने एक डमी अकाउंट क्रिएट कर दिया और उसी डमी अकाउंट में कुछ एंट्री डाल दी, उस एंट्री को देखा प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है सही तरीके से रियल टाइम इन्वायरमेंट में, लाइव इन्वायरमेंट में। लेकिन क्या है कि वो उससे क्या है पूरा डेटाबेस हिल जाएगा। अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए आपका प्रॉफिट आ रहा है, 50 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, और आपने कहा जी 1 करोड़ की एंट्री डाल दी या 5 करोड़ की एंट्री डाल दी, और वो एंट्री किसी एक्सपेंस की डाल दी आपने और उसको देखा, तो प्रॉफिट 45 करोड़ रह जाएगा, 5 करोड़ से कम हो जाएगा। तो बेसिकली वो अफेक्ट कर देगा, लाइव इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी क्या है, टेस्ट फैसिलिटी जो इंटीग्रेट हो गई लाइव इन्वायरमेंट से, तो वो एंट्री आपको रिवर्स भी करनी पड़ेगी, मतलब रिस्क है इसमें। तो इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, फाइनली एक बार समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता है। पहला तो प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट में काम करता है। हमने प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में जाना था। प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट, दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं कंपनी में, एक SDLC इन्वायरमेंट होता है, एक प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट होता है। SDLC मतलब सिस्टम डेवलप हो रहा है वो इन्वायरमेंट है, और एक है टेस्ट इन्वायरमेंट है, और दूसरा होता है कि काम स्टार्ट हो गया आपका, एक ERP लगता है, ERP पहले टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद तो ERP काम करना स्टार्ट हो जाता है, आप प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट हो गया। प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट में पहले तो हम डमी एंट्रीज क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर दिया और फिर उसमें एंट्री पोस्ट करना चालू कर दिया, यानी कि हमने टेस्ट पैक का यूज़ करते हैं, टेस्ट पैक से डमी एंट्रीज में इफ़ेक्ट देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, और फिर उसे स्टडी करते हैं। अगर वो सही आ रही हैं तो एंट्रीज सही तरीके से प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब सही तरीके से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, लाइव इन्वायरमेंट में सही तरीके से काम हो रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग लॉजिक सही है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स कंप्लायंस टेस्टिंग आप कर रहे हो, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स सही हैं आपके, आपका इन्फ्रेंस ये निकलता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने एक एक्स्ट्रा लेजर क्रिएट किया जो आपको नहीं क्रिएट करना चाहिए था, XYZ एक डेटर नया खरीद कर दिया, टेस्ट डेटर क्रिएट कर दिया, तो अब वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। अब उसमें आपने एक लेजर, एक अकाउंट, डेटर अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया, उसमें एंट्री भी पोस्ट करनी चालू कर दी, तो आपकी सेल्स बढ़ने लगी, ज़बरदस्ती की सेल्स बढ़ने लगी,
मतलब आपने उसको डेटर में सील्स की एंट्री पास करनी स्टार्ट कर दी, तो लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की इंटेग्रिटी वॉयलेट हो गई। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए, लाइव इन्वायरमेंट होता है, टेस्ट इन्वायरमेंट होता है। जैसे कोई चीज़ आप टेस्ट कर रहे होते हैं, एक रॉकेट बना रहे होते हो, टेस्टिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लाइव इन्वायरमेंट में सिचुएशन कंडीशंस चेंज अलग हो जाती हैं। वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप का फील देता है, और वो हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज पहले ही बता चुका हूँ कि ना केवल आपका डेटाबेस में चेंज आ जाएगा, डेटाबेस में उस टाइम पर आप कोई रिपोर्ट्स निकाल सकते, अगर रिपोर्ट्स निकालनी है तो उस चीज़ उस इम्पैक्ट को नलीफाई करके ही रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। तो एक बार टेस्ट हो जाए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्ट ट्रांजैक्शंस को आपको डिलीट करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है, टेस्ट पे एक से जो डेटा निकाला और जो आउटपुट निकला वो रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया, प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया। तो ये पैरेलल सिमुलेशन नहीं है, पैरेलल ऑडिटिंग थ्रू, ये ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर है, ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर नहीं है। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर में क्या होता है, आपने डेटा लिया और उसके बाद प्रोसेसिंग आप जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में करने लगे, तो वो ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर हो गया। ये ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर है, इसमें आप लाइव एनवायरनमेंट में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी एम्बेडेड कर रहे हो और उसको आप देख रहे हो। उसमें आप डमी एंट्रीज डाल रहे हो, उसमें आप टेस्ट पैक का यूज़ कर रहे हो और उसमें इफेक्ट दे रहे हो, देख रहे हो। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई सारे प्रोसीजर, प्रोग्राम्ड प्रोसीजर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसिंग सही तरह से कर रही है कि नहीं कर रही। प्रोसेसिंग में क्या है, सारे स्टेप्स के अनुसार काम होना चाहिए और सही तरीके से प्रोसेसिंग होनी चाहिए, लॉजिक सही तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद है सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन, यानी सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल को इंट्रोगेट करना, यानी कि सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल को मंगाना। तो सिस्टम की एक्टिविटी फाइल को कब इंट्रोगेट करोगे, जब सिस्टम की एक्टिविटी फाइल बनेगी, यानी कि सिस्टम की एक्टिविटी क्या क्या हो रही है उस पर नज़र रखी जा रही होगी। तो अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, उसमें लॉग होता है, सारी इवेंट्स का लॉग की कैपेबिलिटी होती है, कि मतलब अगर आपको जो भी एक एक इवेंट जो है, जो कंप्यूटर ने इनिशिएट किया, ये यूज़र ने इनिशिएट किया, दोनों इनिशिएट कर सकते हैं। आप एक एटीएम में जाते हो तो पहली चीज़ आप इनिशिएट करते हो, और जैसे ही आप इनिशिएट करते हो फिर कंप्यूटर इनिशिएट करना चालू कर देता है, और कई जगह पर ऑटोमेटिक इनिशिएशन होता है, वो इन्वायरमेंट को देखता है, सेंसर्स लगे होते हैं और ऑटोमेटिक इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है, यूज़र इनिशिएशन हो सकता है, कंप्यूटर इनिशिएशन हो सकता है, और उसकी वजह से कोई भी इवेंट चालू हो सकता है, और कोई भी इवेंट कंप्यूटर में अगर चालू हुआ या कंप्यूटर ने अपनी एक्टिविटी चालू की, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी एक्टिविटी चालू की, तो वो उसका लॉग बन सकता है, उसका लॉग होता है, उसके लॉग को निकाला जा सकता है, और ये सारी चीज़ फाइल में रखी जाती है और पीरियडिकली प्रिंट की जाती है। तो जब भी आपको जनरल कंट्रोल्स का टेस्ट करना होता है तो ऑडिटर क्या करता है, कंप्यूटर लॉग्स को रिव्यू करता है, इन्हीं लॉग्स को रिव्यू करता है, और फिर वो एक ऑडिट ट्रेल बिल्ड आउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑडिट ट्रेल तो वैनिश हो जाती है जनरली, क्या है, हमने ये पढ़ा कि ऑडिट ट्रेल गायब हो जाती है, बाई इट्स वेरी नेचर ऑडिट ट्रेल गायब हो जाती है, लेकिन इससे क्या है कि एक ऑडिट ट्रेल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो जहाँ भी कोई अनऑथराइज चीज़ हो रही है, कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो एनोमलस एक्टिविटी है, तो उसको इन्वेस्टिगेट हम ऑडिटर फिर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम एक्टिविटी फाइल क्रिएट किया और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मीडियम है वो एक्टिविटी फाइल है, तो उसमें क्या है कि एक्सेप्शनल आइटम सेलेक्ट करेंगे, और कुछ ऐसा है जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स देखेंगे, अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स है, मास्टर रिकॉर्ड्स में कोई चेंज हो गया है, या इस टाइप से जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। उसको देखने के बाद हमें एक समझ में आ जाएगा, एक लेवल में समझ में आ जाएगा कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, जनरल कंट्रोल्स सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनरल कंट्रोल्स वीक हैं कि स्ट्रांग हैं, ये हमें पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, मतलब एक रीजनेबल लेवल तक हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये तो था सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन। तो एक चीज़ और होती है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल,
मतलब एक फ़ाइल होगी सिस्टम को कंट्रोल करने की, ऑडिट रिव्यू फाइल होगी। तो उसमें क्या होता है कि स्पेशल सॉफ्टवेयर एम्बेडेड किए कर दिए जाते हैं सिस्टम में, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक पर्टिकुलर स्पेशल ऑडिट सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है, अपनी प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन लॉग्स बनते चले जा रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन लॉग्स एक फाइल में आ जाते हैं। तो इस फाइल को सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल कहते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करने वाली ऑडिट रिव्यू फाइल होती है। तो बेसिकली इसमें क्या है, कंटिन्यूसली आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसी से हम डेविएशन पता करेंगे, इम्प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स पता करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे प्रोसेसिंग में क्या फ्लॉज हैं, उसके बाद देखेंगे कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे तो ट्रांजेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। और अगर ट्रांजेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल्स लैक्स हैं, क्योंकि सिस्टम का जब आप ऑडिट कर रहे हो मैनुअली, तो मैनुअली क्या होता है कि आदमी के मूड पर बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट होती है, लेकिन जहाँ पर सिस्टम आ जाता है वहाँ मूड खत्म हो जाता है, वहाँ अगर आपके कंट्रोल्स सही हैं, कंट्रोल्स पावरफुल हैं, तो फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर कंट्रोल्स सही हैं, कंप्लायंस चेकिंग आपने की, कंप्लायंस प्रोसीजर्स आपने लाए, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, तो आपको सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने की बहुत कम ज़रूरत है। लेकिन अगर सब्सटेंटिव टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ी निकल रही है तो इसका मतलब कंट्रोल्स पर शक पैदा हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर थकता नहीं है, एरर नहीं करता, वो हर समय काम कर सकता है, कंटिन्यूसली उसी एफिशिएंसी से काम कर सकता है। तो अगर कहीं पर गड़बड़ हुई तो क्यों हुई, क्योंकि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग वायलेट हुई, कोई ना कोई कंट्रोल्स वायलेट हुआ, कोई ना कोई एप्लीकेशन कंट्रोल्स वायलेट हुए, कोई ना कोई जनरल कंट्रोल्स वायलेट हुए। तो किसी भी टाइप के कंट्रोल्स वायलेट हो रहे हैं तो हमें देखने पड़ेंगे कौन से कंट्रोल्स वायलेट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी का यूज़ करो, या स्नैपशॉट्स का यूज़ करो, या सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन का यूज़ करो, सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल को इंट्रोगेट कर दो, या सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल को चेक करो। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल कब होती है, जब आप स्पेशल ऑडिट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं। अगर आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो बिजनेस लॉजिक लिए हुए है, जो बिजनेस का लॉजिक लिए हुए हो और जो बिजनेस में आपकी हेल्प कर रहा हो, उसके पीछे स्पेशल उसके अंदर स्पेशल ऑडिट सॉफ्टवेयर आप डाल देते हो और वो कंटिन्यूसली ऑडिटिंग करता है, तो और फिर एक फाइल जनरेट होती है, उसे सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल कहते हैं। और उसमें फिर आप एनालाइज करते हो क्या डेविएशंस हुए, क्या इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हुए, क्या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन सब चीज़ को आप देखते हो। थैंक्स।